मैं गुणेश सर आज कक्षा 7 के गणित विषय के तीसरे चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के विषय में पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आंकड़ों का प्रबंधन देखते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन हम कैसे करते हैं पहले यह व्यवस्था देखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले आंकड़ों को हम देखेंगे किस प्रकार का डाटा हमें प्राप्त हुआ है और उसको क्या करना है। तो पहले आंकड़ा जब मिल गया उसको एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद उसको सारणीबद्ध करते हैं और सारणीबद्ध करने के बाद फिर उसका प्रबंधन करते हैं, चाहे आरोही में या अवरोही में, यानी जिस तरह का प्रश्न हमें मिलता है उसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब एक चीज आता है प्रतिनिधि मान क्या है। तो प्रतिनिधि मान ये होता है कि इसे हम औसत के रूप में भी मान लेते हैं कि जैसे कई हमें अंक दिए गए हैं तो उसका औसत क्या हो सकता है। तो उसके विषय में सूत्र ये है कि जितना भी डाटा मिला हुआ है उसको योग और बटे डाटों की संख्या, इसको कह लेंगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, को ही हम प्रतिनिधि मान या समांतर मान या संक्षेप में मान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली नंबर 3.1 पर। तो पहला क्वेश्चन है अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अब चूंकि ऊंचाई की बात है तो हम इसे मीटर में लेंगे। तो 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 1.7, 1.8, 1.6, 1.4, 1.4, 1.3 मीटर। अब यह परिसर हो गया, ये आपका डाटा मिल गया। अब डाटा को क्या करेंगे हम आरोही क्रम में देखेंगे कि 10 माने 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 मीटर। अब इसको जो हम आगे क्या करेंगे इसका परिसर ज्ञात करेंगे। तो परिसर का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक अंक और कम से कम। तो सबसे अधिक आप देख रहे हैं कि 2 मीटर और सबसे कम 1 मीटर है। तो अब हम दोनों को अंतर देखेंगे, परिसर का मतलब अधिक अंक से कम अंक को हम घटा लेंगे, यानी 2 मीटर में से 1 मीटर घटाएंगे, 1 मीटर आपका ये परिसर ज्ञात हो गया। ये आपका परिसर हो गया। आज के इस वीडियो में इतना प्रश्न संख्या 2 है, इसमें दिया है एक आंकड़ा दिया गया 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 7, 6, 7। तो इस यह आंकड़ा आपको दे दिया गया और इसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अंक देख लेंगे 9 है, सबसे छोटा अंक 1 है। अब पहला तीसरा क्वेश्चन इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो आपने अभी पीछे आपने देखा कि बड़ा अंक से छोटा अंक को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 9 में से 1 गया 8 हो गया। चौथा है अंकगणितीय माध्य बताइए। तो अभी आपने देखा अंकगणितीय माध्य या प्रतिनिधि माध्य या समांतर माध्य या संक्षेप में माध्य। तो अब इन्हें जो भी अंक दिया गया है सबको हम क्या कर लेंगे योग कर लेंगे और बटा अंक की संख्या कर लेंगे। तो इनका योग हो गया 100 और संख्या हो गई 20। भाग देंगे, भाग देने के बाद ये 5 आपका क्या हो जाएगा अंकगणितीय माध्य हो जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य से ले लेंगे 1, 2, 3, 4 ये आ गया बटा 5। अब जोड़ लेंगे 10 बटा 5 बराबर 2। चौथा है एक खिलाड़ी द्वारा 8 पारियों में बना रन कितना है 58, 76, 35, 46, 50, 0 और 100। तो अब पूछ रहा है उसका माध्य रन क्या होगा। तो उसका माध्य रन की जब देखेंगे तो इनको हम क्या कर लेंगे जोड़ कर लेंगे योग कर लेंगे और संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रन भाग देंगे। तीन का योग हो गया 405/8 और जब भाग देंगे तो ये 50.62 रन इनका रहा है। आपके आंसर शीट में 50 दिया गया है ठीक है, लेकिन वह सत्य नहीं है क्योंकि 50 प्रेषित कर रहा हूं, इसका तीसरा वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूं। अब देख रहे हैं आप इसमें खिलाड़ी दिया गया है खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 यानी 4 या खेल दिया गया है। ए द्वारा 14, 16, 10 और 10 अंक प्राप्त किया गया है, बी द्वारा 0, 8, 6, 4 अंक प्राप्त किया गया है, सी का 8, 11, 1 में खेला नहीं और फिर खेल नंबर 4 में 13 अंक अर्जित किया गया। अब यह प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है कि ए का औसत हेतु माध्य अंक, ए का औसत हेतु माध्य अंक क्या है। तो ए का हम देख लेंगे सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे 14, 16, 10, 10 को जोड़ देंगे और बटा क्या कर लेंगे 4। उसमें देखा गया है कि 50/4 = 12.5 हो गया।
दूसरा है सी का औसत अंक है 3 से भाग देंगे या 4 से और क्यों। अब देख रहे हैं कि सी के लिए 1, 2, 3, 4 ये खेल है जिसमें 3 में ही यह खेला है, चौथा में नहीं खेला, ठीक है। इसलिए क्योंकि यह 3 में ही खेला है इसलिए हम इसमें भाग 3 से ही देंगे, ठीक है। आगे तीसरा है बी द्वारा 4 खेलों का मान, बी का फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे 8, 6, 4, क्योंकि एक में शून्य है यह भी खेला गया है इसमें शून्य अंक प्राप्त हुआ है इसलिए सबको जोड़ देंगे और बटा 4 कर लेंगे यानी 18/4=4.5। अगला आपका 6 है विज्ञान की परीक्षा में 100 अंक से प्राप्त अंक, ठीक है, कितना अंक प्राप्त हुआ 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 55, 81, 85, 75। अब यह क्या पूछ रहा है, प्रश्न दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक क्या है, तो सबसे अधिक अंक 95 है, सबसे कम अंक क्या है 39 है, प्राप्त अंकों का परिसर क्या है, तो 95 में से हम 39 घटा देंगे 56 हो गया। चौथा तीसरा आपका क्वेश्चन है समूह द्वारा प्राप्त माध्यम यानी सभी अंकों को जोड़ दिया गया और बटा जितने विद्यार्थियों का लिया गया उसका भाग कर दीजिए, तो पूरा होता है 780/10, यह होता है आपका 78, ठीक है। सातवां है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या कितनी संख्या मिली, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। अब और विद्यार्थियों की मात्र संख्या क्या है, तो अब सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820 बटा संख्या कितनी हो गई 6, तो औसत कितना हो जाएगा 12,348/6, जब भाग देंगे तो 2058 विद्यार्थी का औसत आता। प्रश्नावली नंबर 3.1 का आठवां क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है कि अब दिन दिया गया है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, वर्षा हुई है उस क्षेत्र में 0, 12.2, 2.1, 0, 20.5, 1.0 मिलीमीटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है कौन सा, उपरोक्त आंकड़ों का वर्षा परिसर बताइए, तो आपसे बताया गया है कि सबसे अधिक और सबसे कम, तो 20.5 में से हम 0 घटा देंगे तो फिर 20.5 एमएम होगा। इस सप्ताह की माध्य वर्षा कितनी है, सबको जोड़ देंगे बटा 7 कर देंगे तो आपका हो गया 5.1। आगे तीसरा है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, माध्य वर्षा आपका 5.1 है उससे कम वाले दिनों को हम क्या करेंगे गिन लेंगे जो 4 दिन हो रहा है। नौवा है 10 लड़कियों की लंबाई 135, 150, 148, 148, 151, 132, 146, 149, 143, 144 सेंटीमीटर है। अब इसे इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है सबसे लंबी लड़की की लंबाई, तो सबसे लंबाई कितनी हो गई आपकी 151 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर, लंबाई का परिसर क्या है 151 में से 128 घटा देंगे 23 सेंटीमीटर हो गया, लंबाई का माध्य क्या है तो सभी लंबाई को क्या करेंगे जोड़ देंगे 1414 सेंटीमीटर/10 भाग देंगे 141.4 सेंटीमीटर आपका ये माध्य हो जाएगा। पांचवा कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, तो अब देखेंगे 141.4 आपका माध्य हो गया, माध्य से अधिक बच्चियों की संख्या कितनी है, कितनी लड़कियों की संख्या है, तो 141 से ऊपर जितना भी होगा आप गिनेंगे तो ये संख्या आपकी 5 होगी। आज के इस वीडियो में 3.1 प्रश्नावली समाप्त हो रही है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।